माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो लोक सेवा आयोग की ओर से आज तीन बड़े अपडेट आए हैं। तीनों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड अकेडमी पे राज्य संपत्ति विभाग में जो भर्ती आई थी उसके संबंध में। दूसरा कंबाइंड स्टेट यानी कि जो अपर की जो नोटिफिकेशन था उसमें एग्जाम डेट में चेंज हुआ है। तीसरा आप देख सकते हैं ईओ और टैक्स रेवेन्यू के उसमें हुआ, तो तीनों के बारे में डिटेल में जो है आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टीएस डॉक्टर आर एस टोलिया के बारे में बात करें तो जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है चलिए उसको समझ लेते हैं, उसमें क्या क्या लिखना हुआ आप देख सकते हैं। 14 मई का है, यहाँ पर 17 मार्च 2024 को इसकी जो परीक्षा हुई थी और यहाँ पर अभिलेख सत्यापन हेतु 13 मई 2024 को प्रकाशित जो सूचना हुई थी उसमें आप देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर अपने मेरिट के अनुसार उनकी जो डीबी की डेट है वो यहाँ पर आयोग ने जारी कर दी। तो अभिलेख सत्यापन की जो तिथि है 24 मई 2024 से जो यहाँ पर स्टार्ट होंगे, आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेकलिस्ट आप देख सकते हैं फॉर्म 20 यहाँ पर मैं आपको एक बार चेकलिस्ट दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट 2, 3, 4 और ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है चेकलिस्ट का फॉर्मेट है जो कि आयोग की ओर से दिया गया है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग जो फॉर्म भराता है जो डिटेल आपको भरनी होती वो यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ। बाकी आप यहाँ से जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी अपडेट। जो दूसरी बड़ी अपडेट थी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो थी अपर से रिलेटेड, यहाँ उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट अपर एग्जामिनेशन की जो डेट है वो यहाँ पर जो है प्री की चेंज कर दी गई है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पर नोटिफिकेशन या जो कैलेंडर कह सकते हैं आप उसके अनुसार 7 जुलाई 2024 थी, लेकिन उसको अब बदल कर 14 जुलाई 2024 कर दिया गया है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड से रिलेटेड सूचनाएं बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है ईओ से रिलेटेड, आप देख सकते हैं रिजेक्शन लिस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट डिस्पोजल यहाँ पर जो है आयोग ने दिया है। तो ईओ का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, काफ़ी अभ्यर्थी इसके लिए परेशान थे। अनुक्रमांक रोल नंबर जनरल अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित दिव्यांग उप श्रेणी के सापेक्ष उपलब्ध कराए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी स्पष्ट न होने के कारण जो है इसको रिजेक्शन कर दिया जाता है। तो बाकी और भी यहाँ पर हैं वांछनीय अभिलेख इन अभ्यर्थियों से रहे, तो ये आप देख सकते हैं जिनको अनर्ह घोषित किया गया, जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। बाकी आयोग ने इनको समय दिया है कि भाई आपके पास समय है, आप आयोग को मेल कर सकते हैं 20 मई 2024 तक, बाकी डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, आयोग में डायरेक्ट जमा भी करा सकते हैं। देखिए इतने अभ्यर्थियों को यहाँ पर अभ्यर्थन जो निरस्त आयोग ने कर दिया, तो ये लगातार अपडेट आयोग दे रहा है। बाकी सारी PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल के नाम से ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तर।